हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द साइंस ऑफ सेवंथ क्लास। सो इन सेवंथ क्लास साइंस चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन। यू हैव कंप्लीटेड योर ऑल एक्सरसाइज एंड आल्सो यू हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी कॉर्नर इन एक्सरसाइज। ओके, बट हियर आर सम क्वेश्चंस विच आई एम टेलिंग यू। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से डू इट योर सेल्फ। फर्स्ट है विजिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज आपको विजिट करना है, एक इंडस्ट्री आपको विजिट करना है। इंडस्ट्री मतलब एक उद्योग जहाँ पर क्या होता है, विजिट करना है। विजिट मीन्स देखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैविंग बीविंग जहाँ पर क्या होता है, बुनाई का काम होता है। ठीक है, जहाँ पर बुनाई का काम होता है। और साथ ही साथ यूनिट ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट क्लोथ्स मटीरियल्स और कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स वहाँ पर यूज होते हैं। हाउ डिफरेंट क्लोथ मटेरियल्स लाइक सिल्क साड़ी, कारपेट एंड मैट आर मेड। जहाँ पर सिल्क साड़ी, कारपेट और मैट बनाया जाता है यूजिंग सिल्क एंड वूल फाइबर्स। और किसके द्वारा बनाया जाता है, सिल्क को यूज करके या फिर वूल फाइबर को यूज करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मीन्स दैट आपको एक इंडस्ट्री विजिट करनी है, एक फैक्ट्री देखना है। ठीक है, ऐसी फैक्ट्री विजिट करना है जिसमें क्या होता है, जिसमें बुनाई होती है और साथ ही साथ उसमें बुनाई के साथ साथ उसमें सिल्क और वूल फाइबर को यूज करके सिल्क साड़ी, कारपेट और मैट बनाए जाते हैं। ऐसी इंडस्ट्री को आपको विजिट करना है। ओके, यू हैव टू डू ऑन यू ऑन। ये आपको लिखना नहीं है, कॉपी में नहीं लिखना है, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन वाला, डिस्कस करना है। ग्रुप डिस्कस क्या करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है, डिस्कस करना है अबाउट सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है ना, सेरिकल्चर का मतलब होता है जो रेशम पालन होता है। ठीक है, सेरिकल्चर जो रेशम पालन होता है, तो सेरिकल्चर प्रैक्टिस कैन लीड टू एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये कह रहा है सेरिकल्चर भी एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट डालता है, उसको आपको क्या करना है, डिस्कस ऑन दिस इशू एज अ ग्रुप एक्टिविटी। आपको ग्रुप एक्टिविटी में ये इशू डिस्कस करना है कि सेरिकल्चर के द्वारा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, मीन्स सेरिकल्चर के द्वारा एनवायरनमेंट पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कुछ गलत प्रभाव होते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर के द्वारा एडवर्स इफेक्ट होते हैं, कुछ बुरे प्रभाव होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे क्या क्या इफेक्ट होते हैं सेरिकल्चर के द्वारा। सेरिकल्चर में क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म को किल किया जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म को किल करने का मतलब है कि किसी लिविंग एनिमल को किल करना। ठीक है, क्योंकि सिल्क वॉर्म को किल करके जो है ना वो सेरिकल्चर किया जाता है, रेशम उत्पन्न किया जाता है। अब सिल्क वॉर्म, सिल्क बनाने के लिए सिल्क वॉर्म को किल किया जाता है। सिल्क वॉर्म को किल करने का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी का डिस्टर्ब होना। एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में एक बायोडाइवर्सिटी है, हर एक जीव किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। ठीक, उस बायोडाइवर्सिटी पर या जैव विभिन्नता डिस्टर्ब होना, वो हम इसमें बताएंगे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में क्या है, सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस कैन लीड टू एडवर्स इफेक्ट। सेरिकल्चर के कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं, कुछ गलत प्रभाव हैं एनवायरनमेंट में, जिसको आपको डिस्कस करना है। गलत प्रभाव क्या है, गलत प्रभाव यही है, इसको भी आपको लिखना नहीं है, ओनली यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, तो गलत इफेक्ट क्या पड़ते हैं, क्योंकि सेरिकल्चर जब किया जाता है तो इसमें किसी भी जो सिल्क वॉर्म होता है उसको किल किया जाता है। और सिल्क वॉर्म किल करने का मतलब होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करना, जिससे बायोडाइवर्सिटी का डिस्टर्ब होना। सो दिस इज द मेन आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चंस। ओके, सो दीज आर टू क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट वन, सेकंड वन आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, इनफ फॉर टुडे। इसी के साथ यू हैव कंप्लीटेड योर थर्ड चैप्टर्स। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर्स। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।